सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि अगर आपने एक्सियो पे लेटर के अंदर दोस्तों अगर आपने कुछ यहां पर आपका लिमिट मिला हुआ है और इस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप सभी को काफ़ी तरीके बता रहे हैं। मैंने काफ़ी वीडियो देखा, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली जो है मेरे अकाउंट में भी मुझे यहाँ पर मिला हुआ है 4000 रुपये का लिमिट। जब मैं इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने लगा तो यहाँ पर मैं देखा कि बहुत सारा यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा। तो इसी को लेकर के मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के बीच में एक फुल डेडिकेटेड वीडियो में बना देता हूँ जिसमें आप सभी को डिटेल में पता चल जाएगा एक्सियो पे लेटर का पैसा हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को हमारे लाल वाले बटन को दबा के कर देना है सब्सक्राइब। आपको पता होगा दोस्तों इस चैनल पर आपको इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती है और आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ शुरू आगे करने से पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर मैं दो एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। एक एप्लीकेशन से अगर आपका पैसा नहीं निकलता है दोस्तों तो यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन से आपका पैसा 100% निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहला एप्लीकेशन जो है यहाँ पर ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, मैंने उससे काफ़ी बार जो है काफ़ी चीज़ का वहाँ पर पैसा निकाला हो। उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों, यहाँ पर हमने सर्च कर देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट मैं सर्च कर दिया एफ पे। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन का मैं यूज़ करके दोस्तों पैसा एक बार निकाल चुका हूँ अपने हम दूसरे एक मेरा ब्रदर था उसके अकाउंट में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये है, मैं आपको पहले कन्फर्म कर दूँ कि आपका जो यहाँ पर जो है, चलिए यहाँ पर मैं चलिए अंदर ही जा करके दिखा देता हूँ सारा प्रोसेस। यहाँ पर दोस्तों जब पैसा निकालने के लिए हम जाते हैं ना तो पैसा जो है पैसा ऐसा नहीं निकलता है, पैसा 100% निकल जाता है और यहाँ से हम लोग सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर में मुझे एक प्रॉब्लम लगा, वो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा। जस्ट यहाँ पर जैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर में आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों मुझे ये ख़राब इसका सिस्टम लगा कि यहाँ पर आपको KYC कम्प्लीट करना होगा। अगर आप KYC कम्प्लीट नहीं करते दोस्तों तो आप लोग यहाँ से जो पैसा है एक्सियो का पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा दोस्तों KYC करना, ठीक है। तो आप अपने मर्जी के हिसाब से चाहो तो निकाल सकते हो, इस एप्लीकेशन के अंदर पैसा 100% निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद आपको एक नीचे ऑप्शंस मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऐड का, जस्ट आपको ऐड में क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर कितना पैसा निकालना है दोस्तों एक्सियो पे लेटर से, तो यहाँ आपको डाल देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो अमाउंट जितना भी आपको ट्रांसफ़र करना है वो अमाउंट यहाँ पर डाल देना है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1000 रुपये निकालना चाहता हूँ, 1000 रुपये मैं डाल दूंगा। जस्ट यहाँ पर आपको दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको टाइप करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 वाला ऑप्शन मिलेगा, तो कभी भी आपको ऑप्शन 2 में आना है, ऑप्शन 1 में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों आपको ऐड मनी में क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे हम ऐड मनी में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पेज जो है थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपके सामने आपका इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको वॉलेट का ऑप्शंस मिलेगा और नेट बैंकिंग और यहाँ पर दोस्तों पे लेटर और यहाँ पर आपको एक EMI का ऑप्शंस मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है देख सकते हैं, अब यहाँ पर मैं जस्ट क्या करूँगा वॉलेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। वॉलेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं पैसा जो है कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं, एयरटेल मनी से, फ्रीचार्ज, MobiQuick और यहाँ पर दोस्तों रिलायंस से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमें जो एक्सियो का जो ऑप्शन है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए दोस्तों जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना होगा, नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है पे लेटर, पे लेटर में आपको टाइप करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो मोबाइल नंबर से, जिस मोबाइल नंबर से आपने जो यहाँ पर जो अकाउंट बनाया हुआ होगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक एलिजिबल में क्लिक करना है। चेक एलिजिबल में दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं आपका काफ़ी यहाँ पर पे लेटर का ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारा पे लेटर है, हमारा एक अलग पे लेटर है दोस्तों, जैसे कि बोले तो जो मेरा पे लेटर है वो मेरा दूसरे नंबर से और यहाँ पर जो हमारा है वो दूसरा नंबर है। तो आपको उसी नंबर से जितना भी आपका पे लेटर रहेगा दोस्तों आपके नंबर से उस सारा पे लेटर यहाँ पर आपको शो करा देगा। अब यहाँ पर दोस्तों शो करा देगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अमाउंट को यहाँ पर ऐड करना है, जितना भी आपको ऐड करना है उसी वाला ऑप्शन पे आपको टाइप कर देना है। जैसे कंफर्म एक बार टाइप करोगे तो उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर के साथ एक OTP भेजा जाएगा। OTP दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई कर लेगा और आपका अमाउंट जो है यहाँ से जो है आपका इस वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएगा। अब चलिए इसे हम कट करते हैं।
अमाउंट दोस्तों सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। आपका पैसा दोस्तों एक्सियो का पैसा जो है आपका 100% निकल जाएगा। बेहद ही सिंपल है, मैंने यहाँ पर दोस्तों काफ़ी बार निकाला हुआ है लेकिन मैंने दूसरे फ़ोन में निकाला हुआ है क्योंकि इस नंबर से मेरा अकाउंट जो है यहाँ पर ये नहीं बना हुआ है एक्सियो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये प्रॉब्लम मुझे मैं इसलिए इस फ़ोन पर बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बुरा मत मानना, नहीं इस पर जो है मेरा KYC जो है कंप्लीट हो रखा है, इसीलिए मैंने इस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अमाउंट जो निकाल लोगे, निकालने के बाद यहाँ पर आपका वॉलेट में शो करा देगा पैसा जितना भी आपका निकालोगे। उसके बाद दोस्तों निकालने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जस्ट यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा पे का, पे में क्लिक करना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एक UPI का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट करना है और यहाँ से दोस्तों आपको अपना UPI ID डालना है, नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, अमाउंट यहाँ पर डालना है, रैंकिंग डालना है और जस्ट आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। आपका पैसा दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में दोस्तों 5 सेकंड भी नहीं लगेगा ट्रांसफर होने में, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता है।